इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और सेव एनवायरनमेंट जैसी सब्जेक्ट्स हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, पर अगर हमें अपने आज के एनवायरनमेंट और बढ़ती प्रॉब्लम्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग को देखें तो ऐसे लगता है मानो ये सब कागजी रह गया है। पेड़ लगाओ धरती पर, पेड़ लगाओ, ये नारा सुनने को मिला हाल ही में चंडीगढ़ में। जी हाँ, चंडीगढ़ में मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जहाँ कुछ थिएटर आर्टिस्ट ने मिलकर किया एक प्ले जिसके थ्रू वो लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि एनवायरनमेंट को सेव करने की काफी जरूरत है। जहाँ इस प्ले में इन्होंने कई अलग अलग किरदारों का रोल निभाया, वहीं हर किसी से जुड़ा था एक मैसेज। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसा ही कुछ सच करते दिखाई दिए डायरेक्टर राजीव मेहता, जो पिछले 15 सालों से लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ऐसे प्लेज कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से हम ये नाटक का मंचन इतनी धूम में जानबूझ के इसलिए करते हैं ताकि लोगों को इन पेड़ों का महत्व पता चले। आज वैसे भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उसके हमारा एक ग्रुप का अपना फर्ज समझ के हम लोगों को थोड़ा सा लेसन देने के लिए नाटक हमेशा करते हैं। एक हेल्दी एनवायरनमेंट को एग्जिस्टेंस में लाना है हमारे प्ले का कंसेप्ट, कुछ ऐसा बताया राजीव मेहता ने। हमारी जिंदगी खुद आईना है, हम रोज देखते हैं कि आप पीजे ही चले जाइए, जहाँ भी देख रहे हैं लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं, और इन सब त्रासदियों के पीछे जोसा हमारा एक हेल्दी एटमोसफेयर की कमी होना सबसे वो ज़रूरी है, इसलिए हमने ये नाटक बनाया और आज तक हमने इसके मेरे ख्याल 400-500 शो कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मेन मोटिव बच्चों को बताना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। खासकर हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को जरूर इस बात का महत्व समझाया जाए कि द इम्पोर्टेंस ऑफ नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। बच्चों को हम जितने भी ये आर्टिस्ट हमारे साथ खड़े हैं, इनके भी बच्चे अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा जरूर लगाते हैं और हमेशा अपने आसपास के वातावरण को हमेशा क्लीन करने की कोशिश। यहाँ पहुंचे एक आर्टिस्ट सचिन का कहना था कि चाहे ही उन्होंने इंदिरा का करेक्टर प्ले किया है, पर मेरा मोटिव लोगों को अवेयर करना है ताकि हम हेल्दी जिंदगी जी सकें। हम सिर्फ ये मैसेज एक देना चाहते हैं कि भगवान ने जो भी हमें ये चीज़ें दी हैं, हमें उनका रख रखाव, उनका बचाव करना चाहिए, और वो हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। साफ़ सफाई से एक तो आप तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और इन चीज़ों से जिनसे पर्यावरण को ख़तरा होता है, मतलब इनसे लोगों को अवेयर करना हमारा मेन मकसद होता है, और हम चाहते हैं कि चाहे मैं इंद्र का रोल कर रहा हूँ या यमराज का कर रहा हूँ कोई भी, तो हमारा मैसेज वही है जो एक हमारे जो भगवान ने हमारे लिए सृष्टि की रचना की है, इतनी खूबसूरती हमें दी है, हम उसे बर्बाद ना करें। वेल, ना कि सिर्फ बड़े पर काफी यंगस्टर्स ने भी इस प्ले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। हमारे ग्रुप में स्टार्टिंग से ही यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मेरे डायरेक्टर राजीव मेहता सर, मेरे सर योगेश अरोड़ा एंड ऑल, तो ये एक्चुअली कहते हैं कि जो टैलेंट है तुम दिखाना चाहते हो इधर आके दिखाओ, और यहाँ आके अगर मेरे को ऐसा सोशल अवेयरनेस का काम करने को मिलता है तो इट्स वेरी गुड फॉर मी। तो अगर आप भी हुए हैं कुछ इंस्पायर और जीना चाहते हैं हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, तो आप भी लगाइए एक पेड़ अपने घर और एनवायरनमेंट को कीजिए क्लीन एंड फ्रेश। विद कैमरामैन अमन एंड प्रभजोत कौर, दिस इज हलीन कौर, द नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।